ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय साई राम। स्वागत आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का दसवां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कल हमने बाबा को नवा अध्याय सुनाया था और इस करोना काल में इस महामारी जो फैली हुई है इसे खत्म करने के लिए मैं हर दिन की भांति पुनः आग्रह करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों के घर में जो भी महाग्रंथ है उसका एक अध्याय प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के समक्ष बैठ कर पढ़ें और जोर जोर से पढ़ें, ताकि अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार है, उसे कुछ परेशानी है, उसे भी यह ग्रंथ सुने और हो सके तो जोर जोर से पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि सभी पे साईनाथ की और स्वयं भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे, क्योंकि हम इस महाग्रंथ का पाठ संसार में फैली इस महामारी को खत्म करने के लिए साईं को सुना रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दसवां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा समस्त वनस्पतियों एवं पंच तत्वों की रचना। एक विशेष आग्रह, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम आपको ये महाग्रंथ का वीडियो प्राप्त हो सके। मैत्रेय जी बोले कि हे नारद जी, इस तरह वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया, तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि रचना करने की शक्ति का अनुभव किया और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए। उन्होंने पहले पंच तत्व और देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्षादि का निर्माण किया और फिर अपने मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से दुख सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया। उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 गुणों का निर्माण किया। तत्पश्चात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों की रचना की। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी और पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मंत्र होते हैं और एक एक मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक महीना और 12 महीनों को एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं, उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातः काल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीतने को अर्ध प्रलय कहा जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, मतलब मृत्यु का आलिंगन हर इंसान को करना है और मृत्यु सबके जीवन में आनी है जो अजर अमर है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह यह ब्रह्मांड की कथा कही गई है। इसी तरह अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सब के स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही हैं। यदि वे चाहे तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों को रचकर पुनः एक पल में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता। वे यदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे अजन्मा हैं। इस ब्रह्मांड में
जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम मध्यम एवं नीच कर्म करता है वह सब उन्हीं की माया है, इसलिए समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश हम सभी को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंध का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोगों से पुनः आग्रह, आप लोगों के घर में कोई भी महाग्रंथ हो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें, उसे निकालें और हर दिन एक अध्याय अपने परिवार वालों के समक्ष जोर जोर से सभी मिलकर पढ़ें। देखिए कैसी शक्ति आपके घर में आएगी और आपके घर में अगर कोई परेशान है, कोई बीमार है, उसे भी एक ऊर्जा प्राप्त होगी जो भगवान की कृपा से। हम यही आग्रह करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान वासुदेव और साईं बाबा आपके घर की रक्षा करें। आप लोग के पास अगर ग्रंथ नहीं है तो इस वीडियो को सुनाइए, इस पाठ को सुनाइए ताकि उस घर में शक्ति आए, भगवान सदा आपकी रक्षा करे। मिलते हैं कल के 11वें अध्याय में। आप सभी अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, बिल्कुल निशुल्क है और चूंकि सब्सक्राइब करने से आपको सर्वप्रथम यह वीडियो आपके समक्ष आएगी और आप इस ग्रंथ का आनंद उठाएंगे। अगर आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबके जीवन में खुशियां आए। यही आशा, यही विश्वास के साथ मिलते हैं कल के अध्याय में। जय साईं राम। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे चैनल में आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।